हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं सोया बॉडी करी, जिसे न्यूट्रिला भी कहते हैं। ये देखिए, मैं पहले से भिगो के रखी हूँ सोया बॉडी, और ये रहा ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स, टमाटो, पोटैटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दीजिए, उसके बाद मैं उसमें सोया बड़ी डालने वाली हूँ। तेल गरम हो गया है, अभी मैं इसमें सोया बड़ी डालने वाली हूँ। ये थोड़ा सा अलग प्रकार की करी बनने वाली है। देखिए कितनी अच्छी सी कलर आ रहा है। मैंने सोया बड़ी का थोड़ा सा फ्राई कर दिया है, उसके बाद हम पोटैटो को भी ऐसे करने वाले हैं। ये देखिए, पोटैटो भी थोड़ा सा हम करने वाले हैं फ्राई। ऐसे ऑयल से फ्राई करने से जो करी का है ना टेस्ट, थोड़ा सा अलग ही आता है, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए आलू भी हो गया है, अब हम आगे का बनाएंगे। मैंने ऑयल डाल दिया है, अब हम जीरा थोड़ा सा डालने वाले हैं, उसके बाद ऑनियन डालने वाले हैं। उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक भी थोड़ा सा डाल दीजिए, उसके बाद टमाटर भी। अब मैं मसाला डालने वाली हूँ। पहले हल्दी, उसके बाद चिल्ली पाउडर, इसके बाद गरम, इसके बाद सॉल्ट। अब देखिए कितने अच्छी तरह से मसाला बन गया है सोया बड़ी करी का। अब मैं इसमें सोया बड़ी और पोटैटो डालने वाली हूँ। देखिए मैंने डाल दिया है, अभी ठीक से मिक्स करने वाली हूँ। बहुत अच्छा लुक दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा आप हाफ ग्लास पानी डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालना। अब हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट बन गया है, इसे और 1-2 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद ये पूरा बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, बन गया है, बहुत अच्छा कलर भी आया है। इसमें थोड़ा हम धनिया डाल देंगे, इससे वो और टेस्ट लगेगा। देखिए फ्रेंड, आप भी बनाइए और खाइए, कैसे लगा मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।